अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माओ व्लॉग्स। और आज का व्लॉग है जी कंप्यूटर टेबल की ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो जी इसके अंदर वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से मैंने अपनी कंप्यूटर टेबल को प्यारा सा बनाया था और अपने फर्नीचर को हम किस तरह से न्यू कर सकते हैं, किस तरह से उसको ऐसा बना सकते हैं कि हम आराम से अपने घर में रखें तो वो प्यारा सा लगे, पुराने से पुराना फर्नीचर भी हम किस तरह से न्यू कर सकते हैं। तो ये है कि ये काम जो था मैंने अपने हस्बैंड से करवाया था पीएल के बाद उनकी। पीएल मतलब जो सालाना छुट्टियाँ होती हैं ना मेरे हस्बैंड को, उसके अंदर हम बहुत सारे काम करते हैं। और अगर आपने आइडिया लेना है कि हम क्या क्या काम करते हैं तो आप उसका जो लास्ट ईयर का व्लॉग है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख सकते हैं। और इस साल का जो व्लॉग है ना उसके अंदर तो हमने बहुत सारे काम किए, तो मैंने अभी तक वीडियो एडिट नहीं की। इंशाल्लाह जब एडिट होगी तब आपके साथ शेयर करूंगी। तो अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि आपको अगली आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। इसके अलावा ये था कि जी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है किसी के लिए जिनका फर्नीचर पुराना है लेकिन उसको न्यू करना चाहते हैं, कुछ अच्छे तरीके से रखना चाहते हैं घर में, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आप इसको आगे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और फिर अब चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जी ये है जी बिफ़ोर वाली लुक, और पड़ी हुई तो खैर अभी भी बहुत ज़्यादा प्यारी लगती थी लेकिन असल में कपड़े के नीचे टेबल कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और वो कैसी ख़राब थी वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो ये जी थी टेबल और ये बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई थी और इसे सामने जो है ना मैंने एक पतली सी शीट लगवाई हुई थी ताकि वो बिल्कुल एक जैसी हो जाए टेबल, क्योंकि जो फ्रंट पे है ना यहाँ पे ये थोड़ा सा कर्व सा बना हुआ है और फिर इसके ऊपर कपड़ा वगैरह आ जाता था और हम इसी तरह यूज़ कर रहे थे। तो ये बहुत ज़्यादा पुरानी थी, बहुत ज़्यादा पुरानी थी और देने का भी दिल नहीं करता कि चलो कोई बात नहीं, घर में चीज़ होती है तो यूज़ हो रही होती है। और मेरे अक्सर मैं स्टिचिंग वगैरह करनी होती है तो मैं इधर ही इसको यूज़ करती हूँ टेबल को। तो खैर यहाँ पे ये जी कर्व सा बना हुआ था जिसको पहले हमने सेट किया हुआ था उससे लकड़ी को लगा के, और अब यहाँ पे जो है ना फ्रंट से ये जो पतली सी लगती है लकड़ी के आगे ताकि सेव हो सके लकड़ी और अच्छी नीट लगे। तो ये वाली जो खैर जो पहले लगी हुई थी वो वाली उतार रहे हैं और अब यहाँ पे एक लकड़ी है जो कि हम ने कटवाई है कारपेंटर से, और मतलब निशान वगैरह लगा के ले गए थे मेरे हस्बैंड के साइज़ क्या लेना था और फिर उसके बाद कटिंग करवा के ले आए हैं। और अब इसको हम जोड़े हैं, नीचे जी लगाई है ग्लू और जोड़ इस तरह रहे हैं कि तीन कील लेके ना तो उनको जो कील की दूसरी साइड होती है ना जहाँ पे उसका हेड होता है वहाँ से उसको कट कर लिया था और उसको फ्लैट कर लिया था कि बिल्कुल कील की तरह, तो वो दोनों साइडों से बिल्कुल नुकीला हो गया था। और उन उसको कील को इसके साथ अटैच करके तो उसके ऊपर लकड़ी रख के और ग्लू लगा के तो इसको जोड़ लिया। तो ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आइडिया था मेरे हस्बैंड का और यहाँ पे जी हमने इसको बिल्कुल कंप्लीट कर लिया था। और फिर अब इसके आगे जो फ्लैट करने के लिए ना हमने फिर से वही पतरी जो पहले लगी हुई थी ना उसी तरह की न्यू बाय करके तो हमने वो लगाई है, और इसके लिए भी पतले वाले कील यूज़ होंगे और वो अब इसके साथ लगी। ये है जी हमने बिल्कुल फ्लैट सी पतरी सी जो होती है मिलती है लकड़ी की, वो हमने इसके साथ लगाई है। एक प्लास्टिक की भी मिलती है लेकिन क्योंकि ये टेबल के अंदर हमने प्लास्टिक वाला यूज़ ही नहीं किया था, यानी कि कोई लेमिनेशन शीट वगैरह यूज़ ही नहीं हो रही तो फिर हमने वो वाली नहीं यूज़ की। आगे आगे वीडियो आप देखते रहेंगे तो आपको अंदाज़ा होता रहेगा कि बहुत सारी चीज़ें थी ऐसी। तो यहाँ पे अब हमने टेबल को पेंट कर लिया है और ये जो पेंट है ये हमने पीएल के अंदर बनाया था और उसकी भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी पीएल के व्लॉग के अंदर। और यही है कि अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लें ताकि आपको हर अगली आने वाली वीडियोस मिलती रहें, और लास्ट ईयर का जो व्लॉग है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख सकते हैं। तो यहाँ पे जी ये है जी मरकरी वाला शीशा, और ये मरकरी वाला शीशा ऐसा होता है कि टेबल के नीचे जो भी होगा ना वो नज़र नहीं आएगा। जिस तरह आप ये देख सकते हैं थोड़ा सा टूट गया था तो मैंने यही वाला जो शीशा है तो ये मैं लगा लूँगी कंप्यूटर टेबल पे, और ये देखें किस तरह से साइड से टूटा हुआ है लेकिन बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि टेबल असल में कैसी है और शीशा लग के तो टेबल का बिल्कुल पता नहीं चल रहा। और यही शीशा अब मैं यूज़ करूँगी कंप्यूटर टेबल के ऊपर। तो यहाँ पे अब ये जी पेंट हो रहा है, अभी थोड़ा सा रहता है पेंट करने के बाद फिर इसके ऊपर वार्निश होगी। और ये है कि जी यहाँ पे अभी पेंट वगैरह तो हो रहा है और जो नीचे गिरा हुआ है ना उसके नीचे कोई मैट वगैरह भी छा लीजिएगा। यहाँ पे तो हम खुद ही काम कर रहे होते हैं, खुद ही सफाई कर रहे होते हैं तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन फिर भी करना चाहिए साथ साथ। तो खैर यहाँ पर ये हैंडल था जो कि मेरे हस्बैंड लेकर आए थे लेकिन जब हम इसको दराज को लगाने लगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि ना ये मतलब बाहर को आया हुआ है। तो मैंने कहा कि इसके बगैर ही ना वैसे ही अच्छी लग रही है टेबल तो हम ये वाला हैंडल नहीं लगाते। तो उस वक्त फिर हैंडल लगाने का तो प्रोग्राम कैंसिल हो गया और बाकी जो टेबल हमने फाइनल की है वो मैं आपको दिखाती हूँ।
तो जी ये थी फाइनल लुक, और इसी तरह आप भी अपने किसी भी फर्नीचर को न्यू कर सकते हैं। और ये मरकरी वाला जो शीशा होता है ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छा रह जाता है पुराने फर्नीचर के लिए, ख़ास तौर पे क्योंकि इसकी वजह से ना जो पूरा पूरा टेबल का टेक्सचर होता है ना वो ख़त्म हो जाता है, वो नज़र नहीं आता। और इसी की वजह से ना आधी तो लुक फर्नीचर की इसी तरह से निकल आती है। और मैंने अपनी मदर इन लॉ के फर्नीचर के ऊपर भी यही यूज़ किया हुआ था, जो टेबल थी वो उन्हीं की थी और उसका टेक्सचर इसी तरह से ख़त्म किया हुआ था, और इसी तरह से मैंने पेंट वगैरह करके उसको न्यू सा किया हुआ था। अब तो खैर उसको भी 5 साल हो गए हैं, तो मैं इंशाल्लाह किसी दिन ना जब दोबारा से पेंट न्यू करूँगी ना, तो आपके साथ अलग से वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी मैं अपनी मदर इन लॉ के फर्नीचर की, कि किस तरह से मैंने उसको न्यू किया था और वो बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। तो खैर अब यहाँ पे जी ये जो टेबल था ये मेरे हस्बैंड का था, और ये जब वो 8th क्लास में थे ना ये तब का है, तो आप ये खुद सोच लें कि कितना पुराना टेबल है और मेरे यूज़ में था, और मैं इसको अक्सर यूज़ करती रहती हूँ अपनी स्टिचिंग के लिए भी मैं यूज़ करती हूँ, तो मैं इसको मतलब निकाल नहीं सकती थी, तो इसलिए मैंने इसको न्यू कर लिया। और कैसा लगा है आपको, और कैसी लगी है ये वीडियो, क्या ये हेल्पफुल है, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।